नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हो? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? चलते चलते कितनी दूर चली गई? पहली बात तो ये, तैयारी की एनर्जी बना के रखो। मेगा बदावड़ा कौन बने करे, टाइम पर लोटो लेगी कौन भजिया करे। जी पशु परिचर को माहौल हो जो तो बढ़िया तरीकों पढ़ाई चालू कर दी। अब होते ही कितने दिन का स्टॉपेज आया? कोई 2 महीने का आया होगा। फिर भर्ती तो आएगी, आएगी तो तैयारी पहले जारी रखो। नहीं फिर क्या कर लोगे? अब तैयारी एग्जाम के नजदीक 2 महीने पहले करते हो, फिर कहते हो हमारा सिलेक्शन नहीं होता, तो कैसे सिलेक्शन होगा? बस इसीलिए रथ जो है जिधर मोड़ रखा है उधर ही रखो एक बार। हाँ, पशु परिचर के बी पार्ट के लिए आप बात कर रहे थे, तो पशु परिचर के बी पार्ट की एनसीईआरटी बेस्ड है। एलएसी जैसे अध्यापकों ने इसे तैयार किया है। इसके अलावा 400 ऑब्जेक्टिव भी इसमें डाल दिए गए। इतने ऑब्जेक्टिव की बुक अभी तक पशु परिचर की आई नहीं, इस किताब के अंदर साथ में ही डाल दिए। बी पार्ट वाला मैटर है, जिसे 45 नंबर वाला बी पार्ट वाला चीज जो आपकी अब चल रहा है वो। और वैसे आपको नोट्स मिल ही रहे हैं टाइम टू टाइम, वो आपकी मर्जी, क्योंकि किताब की फिर भी एक मांग रहती है, एक कॉन्फिडेंस भी रहता है कि ये किताब रीड तो करना है, होनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अपना पशु आवास प्रबंधन, नया टॉपिक। पशु है के ओरिजिनल बैंक में, तो बैंक में ही होगा तो भाई क्या होगा? तो बैंक पर है पर लो तो मिल जाए सही, नीचे पड़े देखना पड़ा, ड्रॉ उपला में निचले में है, निचले में भी लाच का। हाँ सॉरी शक्तिमान, प्रणाम जी माफ करना, गलती मारे से हो गई बीच में, करने पड़े थे समझो टबरो। काम काम तो काम रही है, काम रहना ही चाहिए, काम रहे काम चलाओ। क्या मैं बिजी हूँ? तो बिजी रहे तो काम चलाओ, नहीं काम क्या चलाओ थे। आवास प्रबंधनों मतलब जिया थे गठी रोग आज भी पहले थे, देखो को नहीं कि यार बढ़िया खिड़की किन्ने खुद रही है, गेट रोड का नहीं खुद रही है, कौन कुल पूरा वातावरण बढ़िया है, कोनी हवा बढ़िया आ रही है, कोनी कट्ठे कांच है की है। तो भाई डांगरा खातर भी तो अच्छी चीज होनी चाहिए, पशुओं की भी तो अच्छी फैसिलिटी चाहिए। भले ही आपको दुनिया के कितने गंदे मकान में रख दिया जाए, पूरा मकान कालो है, बदबू आ रही है, सागंधी हो, लेकिन अगर एक खिड़की भी खुली रह गई तो भी आप उसमें 1-2 दिन निकाल सकते हो। इसलिए वातावरण प्रबंधन, उसे ही पशुओं का भी एक प्रबंधन मैनेजमेंट होना चाहिए, उन्हें रखने की व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी वर्षा है, इसलिए एक जैसा तो बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि सर्दी में और प्रकार का चाहिए, गर्मी में और प्रकार का चाहिए, वर्षा में और प्रकार का। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है पशु का आवास प्रबंधन, समझ गए? पशु को फर्म हाउस से पशु को घर है, पशु किसी को घर बनाना है, पशु पशुओं एक ही बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यानी लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए, जो को पशुआ रहन खातर आप बना रहे बाड़ो भी। आवास की लंबाई तो होनी चाहिए पूर्व पश्चिम, पूर्व इन नहीं, लंबाई तो होनी चाहिए एंड अप, ताकि सूरज को प्रकाश जा बोल सारी दूर। ठीक है, चौड़ाई होनी चाहिए उत्तर और दक्षिण। अच्छा मैं उल्टो कर दियो, ज्यादा प्रकाश आवे बिन्ने तो होनी चाहिए चौड़ाई, ठीक है, और लंबाई होनी चाहिए या चौड़ाई, यानी इसकी आवास की लंबाई तो होनी चाहिए पूर्व से पश्चिम, लंबाई किधर? पूर्व से पश्चिम, लंबाई ज्यादा इन होनी चाहिए और चौड़ाई होनी चाहिए उत्तर से दक्षिण, इधर होनी चाहिए चौड़ाई, बस आई एम पी आर टी एन टी बात आई। बाकी तो देखो खुल्लो स्थान होना ही चाहिए पशुओं खातर, खुल्लो स्थान तो चाहिए ताकि सिंह आराम कर सके, थोड़ा ऊंचाई पर होना चाहिए, थोड़ा सो धरातल से थोड़ा सा ऊपर हो, तो पशुओं का मल वगैरह वो आराम से बाहर निकल जाए, हवा और प्रकाश आना चाहिए वो होगी, और ना तो ज्यादा दूर होना चाहिए शहर या गांव से। ज्यादा दूर हो तो क्या जाए जगह, मान लो कोई पशु ओरे बुलाने लग रहे थान तो क्या जाओ सुनो, और ना ही नजदीक होना चाहिए, लगभग ठीक ठाक होना चाहिए, और पानी जल व्यवस्था नाली व्यवस्था इनको सही किया जा सकते। यानी इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये एक ही है, इंपॉर्टेंट पर्सन ये एक ही बनता है, कौन सा? लंबाई और चौड़ाई बनता। ये आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट आगे की बात है। क्या क्या आवास की कौन सी विधि है? पहली विधि है खुला आवास विधि, खुला आवास विधि। हाँ अब अपने देखते हैं आवास के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं करनी है। सबसे पहले है खुला आवास, नाम बेरो पढ़ना चाहिए कि पशुआन खुला ही छोड़ दिया, यानी सीधा का बांधना को सीधा राड़ा में बाढ़ दियो, लेकिन उसमें भी एक नियम है। खुला को मतलब वो एक मान लेते वो पशुओं को बाड़ो बनाए गाय भैंसा खातर,
अब मान लेते खुला छोड़ दियो सीधो और बारू एक गेट लगा दियो, अब बारिश आ गई बेचारा घट जाएगा, गर्मी लाग गई तो घट जाएगा। इनको मतलब थाने ऊपर सेट भी बनाना पड़ेगा ताकि कुछ भाग ऊपर बंद होए और जी जरूरत पड़े भी ये इंगमा आ जा, पशु गर्मी लागी सर्दी लागी बारिश आई तो इंगमा आ जा, खुलो भी होना चाहिए बंद भी होना चाहिए, यानी दो बट्टा तीन भाग तो होना चाहिए खुलो, ठीक है, और एक बट्टा तीन भाग होना चाहिए छायादार। वो नियम है यानी कुल अगर मान लो कि कुल आप जगह जो 10,000 स्क्वायर फुट है तो उसमें से दो बट्टा तीन भाग तो खुलो होना चाहिए और एक बट्टा तीन भाग जो है जो होना चाहिए बंद या छायादार होना चाहिए, ऊपर ढकेड़ होना चाहिए, ठीक है। आपने राजस्थान में घनी जगह है कोई कमी को नहीं, तो राजस्थान के गांव में या ग्रामीण अंचल में जगह की कोई कमी नहीं है, तो राजस्थान में या ग्रामीण अंचल में पशुआन खुला रो ज्यादा चले ऊपर एक सेट सो बना देगा, बस हो गयो काम। आ है पहलो प्रकार, दूसरो है बंद पशु, क्योंकि कई बार बांधना भी तो है, बंद पशु आवास विधि खुलो समझ में आ गयो, प्रश्न के बने खुले में बस भाग बंद कितो भाग होना चाहिए खुलो कितो होना चाहिए टोटल क्षेत्र, ठीक है। इन स्टेचिन बोन विधि भी कहा जाता है बंद पशु आवास विधि, जहां कम जगह कहां है शहरों में, यह विधि शहरों में चलती है। इस विधि के भी भांति भांति के प्रकार है, ओनली टू ही प्रकार है, बंद के भी दो प्रकार है, जहां कम जगह हो दो ही प्लॉट एरबांगमा सेट करनो है। एक बार दो विधि चाले देखो, एक सिर्फ समझ लो है रट्टा मारने की जरूरत को नहीं, एक तो है एकल पंक्ति विधि, एकल पंक्ति विधि सिंगल रो विधि यानी सिंगल रो सिस्टम कह दो, और द्विपंक्ति विधि, द्विपंक्ति विधि कितो इजी है रे पशु प्रबंधन बहुत इजी बहुत इजी। जी हां थाने एक चित्र दिखाऊं थे समझ जाओगा, चित्र ये है कि कोई ए देखो रोम है, ए देखो रोम है, चित्र देखना ही तो थारे सो क्यों समझ, ए देखो रोम है, ए देखो एक दूसरे का नहीं पीट करके खड़े है, आम देखो समझ में आया सर, हाँ सर अब आया समझ में कि इम किए देखो, अगर पशु कम है आठ दस ही पशु है तो एकल विधि चल जाएगी, यानी यहां करके हैरा लियो पशु खड़िया कर दियो। अब मान लो जगह अपने कर कम है, पशु ज्यादा है, बूढ़ा है 80-90 पशु है, बूढ़ा पशु है, तो फिर द्विपंक्ति विधि काम में ली जाएगी। जब पशु ज्यादा है द्वि कदम मतलब दो दो मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा पशु है, ज्यादा एक से मतलब ज्यादा पशु 70-80-100-150-200-300 पशु है, जब काम में लीजिए। अब दो पंक्ति में भी अपन पशुआन जगह खड़िया करना है, जिया थान चित्र में मैं दिखायो, ए देखो है, ए देखो क्या खड़िया है आंगो जिया ए मुंह एक दूसरे का नहीं आंग पीठ है, आ चीज थाने समझनी है दोबारा सर के समझने, पंक्ति के बाद जिया पशुआन खड़िया करिया, एक तो पशु को जिया ओ पशु को मुंडी है ओ पिछो भाग, ओ पशु की मंडी है ओ पिछो भाग, ओ पशु की मुंडी है ओ पिछो भाग है ओ मुंडी, एक तो ई तरीको कर सको, एक कर सको के ओ मान लो पशु पिछो भाग है और ओ पशु को पिछो भाग है और मुंडी रहेगी इनने, तो मतलब दो तरीकों पशुआन थे लाइन में खड़िया कर सको, के लाइन है मुंह से मुंह विधि, फेस टू फेस विधि, सिर से सिर विधि, यानी एक दूसरे का नहीं अगर बुढ़ा है सिर है तो अपा दो पंक्तियां में भी दो तरीकों खड़ा कर सका, एक तो मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि यानी इंग्लिश में कह दो फेस टू फेस, ठीक है, सिर आपस में सिंग आपस में टचिंग करा टच भी एक तो होगी, दूसरी दूसरी पीठ पीठ टू पीठ न कह के पूंछ से पूंछ विधि, पूंछ से पूंछ यानी एक दूसरे का नहीं पीट करके खड़ा हुआ। अब इम समझना के कौन सो सही है कौन सो गलत है कौन सो सही है, जी आप थारे हिसाब दिमाग लगाओ तो कौन सो सही है। अब थे सोचा का मुंह मुंह कर रखे पशु एक दूसरे का नहीं लाइन में वो सही है, वो थे थारे हिसाब सोचो, क्योंकि आदमी बात करने ही ज्यादा आदत है, पशु की बात करेगा जी हाँ बात अट कोई बात कोई नहीं, एक दूसरे सिंह भी डालेगा चाटा चुटी कर लेगा, इनके अलावा क्या काम है जी मांग बात की, तो भाई कोई बोर थोड़ी हो रही है भाई, आप बात को नहीं बांधने इंस्टाग्राम पर रील चलानी है या फिर बात करेगा ये भाई नहीं सुना कर वो झूठो तेर कर आयो गया आज तो वो तेरे बारे में पूछा हूं मैंने, ऐ तो बात करनी कुछ बात। अब यदि खराब क्यों है, खराब ही खातर है कि मुंह मुंह अगर पशु मिला लियो तो कोई ना कोई संक्रामक रोग फैलना, इसलिए ये विधि ज्यादा सही नहीं है।
आ एक दूसरे पूंछ कानी मार के बुलाई, मतलब ए भाई के खा गया ये, के हो के कर रखे थोड़ो के है, एक दूसरे का नहीं पूंछ रहेगा, पूंछ मार मार के आपस में टाइम पास बुलाई के लिए। तो सही विधि कौन सी है? आ है वैज्ञानिक विधि। ज्यादा ज्यादा पशु इतनी चर्चा करा कि भाई ये के खाए तू आजकल, क्यों हो रहे तेरे यहां, बस पीठ एक दूसरे का नहीं। और उपयुक्त विधि कौन सी है? आई है, ये है उपयुक्त विधि। समझ में आएगी थारे? वाह सर क्या बात है, बड़ी अच्छी समझ में आई, दोबारा समझो। बंद पशु आवास विधि शहरों में चलती है ये, दो प्रकार से, वह एकल पंक्ति द्विपंक्ति, वो बता दिया कैसे खड़े करनी, ऐसे लाइन। एकल पंक्ति 5-7-8-10 पशु है चल जाएगा, द्विपंक्ति, द्विपंक्ति में कैसे खड़े करेंगे? मुंह एकान करके पीठ करके, सही कौन सी है? का थोपड़ो थोपड़ो कौन मिलाना है, नहीं आपस में थोपड़ा चाटन लाया जाए तो सही कौन, कौन सी? पीठ टू पीठ विधि, वैज्ञानिक विधि सही विधि है। ठीक है सर, आगे सर। अब देखो, गाय वह भैंस के आवास को, यानी जो ठहरे यथार्थोकीय होम, वो आवास ने बोले कि शेड बना दियो, टीन शेड बना दियो, गाय और भैंस। अगर भेड़ बकरी है तो बिंग आवास ने के बोले नाम देड़ा है, बिन देड़ा पैन। अगर गठी सुअर रुक रही है तो सुअर का आवास ने बोला स्टे, ए नाम तो देखो ई साबु पड़े, सेड पैन स्टे, इंग्लिश वर्ड ये एक प्रकार। अगर घोड़ो है गठी तो बिन बोले घोड़ो स्टेबल हो गयो, यानी स्टेबल, जहां ये लोग रहते हैं पशु पक्षी उनकी आवास को कहा जाता है। और जो को पशुआ ना फिर अलग, वो एक पानी पिलाना है, वो चारा, वो एक स्थान और जगह, नाद या मेंजर कहा जाता है उस क्षेत्र को, ये भी याद रखना, नाद या मेंजर। ऐसे थारे नोट्स में लिखे डा जा, टेंशन लेने की कत्ते ही जरूरत को नहीं है। शेड की भी अलग अलग ऊंचाई है, जब मध्यम या बरसात क्षेत्र है तो 175 सेंटीमीटर, शुष्क है तो 220, याद करो। तो अगर किसी डेयरी फॉर्म में 50 प्रजनन योग्य माताओं है तो एक नर सांड की आवश्यकता रहती है, और जो पीछे भी हम जिक्र कर चुके। और फॉर्म में अगर खरीदेड़ा पशु, कोई नयो पशु ले आओ दो थे, तो 30-40 दिन उसे क्वारंटाइन रखकर उसके बाद ही उनके साथ मिलाओ, संक्रामक रोग की पशुओं में ज्यादा चांसेस रहते हैं। ये पशुओं का आवास से संबंधित कुछ बातें थी। इनमें ही कई बार सिर्फ पशुओं को बात करते करते अगर हम मुर्गियों के आवास की करें, दिया तो नहीं है लेकिन आप चर्चा कर लिया, ताकि थारे समस्या आ गए नहीं आवे, सिर्फ चर्चा कर लिया मुर्गियों के आवास। मुर्गियां को आवास भी दो तीन तरीकों थे बना सको, घर के पीछे भी थे बना सको, विस्तृत प्रणाली में बना सको, बोल सारे खेत में मुर्गला पालन लाए जो, अर्ध सघन प्रणाली भी वे, सघन प्रणाली भी है। मुर्गियां आवास की चार प्रणाली चले, एक तो घर के गैल ने जच्ची जद पाल ली, 5-7 जच्चा जद काट ली, ठीक है। एक बहुत बड़े क्षेत्र पूरे खेत में विस्तृत, एक है अर्ध सघन क्षेत्र में पीछे विस्तृत, अगर और फिर ये चौथो सघन। ये सिर्फ समझने के लिए नोट्स में आपको लिख दिया जाए, क्योंकि आपके सिर्फ पशुओं का लग रहा है तो ये थोड़ा सा क्या पता पूछ ले। पहला है घर के पीछे बैकयार्ड पोल्ट्री सिस्टम, 5-7 मुर्गली रखनी है, एक परिवार ने कभी अंडो चाहिए कभी मुर्गली चाहिए, जच्चे के आज जीजो जी आए डे बोल फलाना थी मुर्गनी लियाओ, चप दो भी खातर है। फिर विस्तृत प्रणाली बड़े क्षेत्र पर, यानी एक्सटेंसिव सिस्टम, फ्री रेंज सिस्टम, खुला चारण क्षेत्र, जगह कह दिया खुली मुर्गी है, चरबो करेगी फिर वो करेगी। एक हेक्टेयर के अंदर लगभग 125 पशु, सॉरी पक्षी मुर्गियां रख सकते हैं, एक हेक्टेयर में लगभग 125। सही स्थिति हो तो 250 तक भी रख सको, ठीक है। फिर है अर्ध सघन क्षेत्र, अर्ध सघन, एक मिनट की हो रही हो, अर्ध सघन को मतलब वो हो, दिन में खुली फिर वो करेगी, रात ना आवास में बढ़ा दे। ए भी पोल्ट्री गेवा गेव प्रणाली, वे एक तो पोल्ट्री घेरा प्रणाली, एक वह उठाऊ मकान प्रणाली, सागे ही रखे गाड़ी में, खोली खेत में जरूरत पड़ी मांगा दे। यानी अर्ध सघन में दो प्रकार है, पोल्ट्री घेरा प्रणाली, 50 पक्षी अगर पक्षी है तो 270 वर्ग फुट या अधिक पशु चाल जाओ काम, उठाओ मकान मुर्गी अगर बोले रखे लोग अपने कौन भी रोज अपन कौन भी 5 वर्ग फीट में लगभग घेरे क्षेत्र मकान हुए 20x5 फुट के लंबा बना लियो भी।
फिर सघन है, सघन का भी कई प्रकार है, पिंजरा है, गहरी बिछावन क्षेत्र है, तार फरस वाला क्षेत्र है, और एक बिछावन अहाता प्रणाली। मुर्गियां इसमें नहीं है, पशुओं का ही पूछा गया था, इसलिए अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं जो आप याद करो तो अच्छी बात है। पशुओं का आवास प्रबंध, वातावरण के अनुसार पशुओं का आवास होगा, मैंने जैसे समझाया है वैसे का वैसे लिखा हुआ है। दिशा, लंबाई, चौड़ाई ये होनी चाहिए, चौड़ाई यानी लंबाई पूर्व से पश्चिम लंबा होना चाहिए और चौड़ाई जो है वो उत्तर से दक्षिण होना चाहिए, बाकी प्रश्न आराम से आप कर दोगे। खुला पशु आवास विधि, 2/3 भाग खुला होना चाहिए, 1/3 भाग छायादार या बंद होना चाहिए, ये राजस्थान में चलती है। बंद पशु आवास प्रणाली स्टेचला बोन विधि है, जहां कम जगह हो वहां ये दो विधियां, इसकी एकल पंक्ति सिंगल रो समझ गए आप, कम पशु है तो द्वि रो, दो प्रकार की है, मुंह मुंह विधि फेस टू फेस और पूंछ पूंछ विधि, दोनों थाने समझ में आ गया आराम, कोई टेंशन को ठीक है। आप पीडीएफ मिल जाए, टेलीग्राम टेंशन ना लो, और गुरु नोट्स पर भी मिल जाए। गाय में भैंस की आवास को शेड कहते हैं, भेड़ बकरी के पेन कहते हैं, और सूअर को स्टेक बोले सू सू स्टेक, और घोड़े को स्टेबल बोले, पशुओं चारा पानी पिलाने को ना, ओ खुल्लो स्थान की खातर कितो होना चाहिए और बंद स्थान कितो होना चाहिए, गाय के लिए इतनो, भैंस के लिए इतनो, या बन गाय खातर इतो, सांड खातर इतनो, ओ थोड़ो सो अगर थे रटनो चाहो तो अच्छी बात है, रट लेना अगर चाहते हो आप तो, जरूरी है क्योंकि ये क्षेत्र के अंदर आता है, इस टॉपिक के अंदर ये थोड़ा सा देख लेना आप। शेड की ऊंचाई होगी, बाकी मुर्गियों की आवास प्रणाली वो आप पढ़ो तो अच्छी बात है। ये एक छोटा सा टॉपिक था, कैसा समझ में है वो आपके कमेंट से पता चलेगा, वरना मुझे क्या पता चलेगा। ओके, थैंक यू।